हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई थिंक एंड आई विश दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। Be ready to make your learning easier with Master Teacher Shamim Sir. Hello students, आज हम लोग Understanding Quadrilateral का Part 2 शुरू करने जा रहे हैं। So student, here it is. Understanding Quadrilateral Part 2 for Standard 8. Student, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Quadrilateral के बारे में, that means polygon के बारे में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है Types of Quadrilateral। So student, there are various type of क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल जो है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? अ फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब उसमें से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिनको हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला क्या है हमारा? फर्स्ट हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। दूसरा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। और तीसरा हो जाएगा रोम्बस। और चौथा हो जाएगा हमारा स्क्वायर। एंड पांचवा हो जाएगा ट्रेपेजियम। और सिक्स हो जाएगा स्टार। तो स्टूडेंट, हियर वेरियस टाइप ऑफ सिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नंबर वन पैरेललोग्राम, नंबर टू रेक्टेंगल, नंबर थ्री रोम्बस, नंबर फोर स्क्वायर, और नंबर फाइव ट्रेपेजियम, और नंबर सिक्स में है काइट। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसको वन बाई वन करके समझते हैं शॉर्ट में कि ये है क्या पैरेललोग्राम। स्टूडेंट, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो पैरेललोग्राम कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। स्टूडेंट, अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट, इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी है नंबर वन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हियर इट इज पैरेललोग्राम। यहां एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी जो है वो बी सी के, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो
बीसी के पैरेलल है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंड पैरेलल भी सब लिख सकते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और नंबर थ्री, एडजेसेंट साइड adjacent angle, sum of adjacent angle, student sum of adjacent angle, यहां हम लोग लिखते हैं sum of adjacent angle are supplementary, supplementary और 180 डिग्री। यहां पर क्या कह रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे स्टूडेंट, ए और बी हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, ए और डी ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, बी और सी हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा। ए और डी का सम 180 डिग्री, ए और बी का सम 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, टू एंगल विच हैव अ कॉमन आर्म, टू एंगल जिनके आर्म कॉमन होते हैं, जैसे ए और डी में, एंगल ए और डी में ए डी आर्म कॉमन है, एंगल ए और बी में ए बी आर्म कॉमन है, तो ये एडजेसेंट है एंगल हो गया ए बी और ए डी। ये हमारा ए बी, ए एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह से बी प्लस सी 180 डिग्री, सी प्लस डी 180 डिग्री, डी प्लस ए 180 डिग्री। इसके चार कितना होगा, फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होंगे और उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और चौथा है स्टूडेंट, अब यहाँ से अब हम लोग एक डायगनल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब क्या हो गया कि AO is equal to OC और BO is equal to OD। स्टूडेंट यहां पर AC और BD ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो बराबर हिस्से में बांट देंगे, यानी AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर देगा और BD जो है वो AC को बाइसेक्ट करेगा, यानी इसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हियर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट यहां हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देख लिए, अब चलते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल जो है स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि इसके रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हां रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है whose all angles are right angle, whose all angles are right angle। अगर पैरेललोग्राम के सभी एंगल राइट एंगल हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। पैरेललोग्राम के सभी एंगल अगर ईच एंगल राइट एंगल हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टीज इसको फॉलो करेंगे, यानी अपोजिट साइड
रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ अपोजिट एंगल्स ही नहीं बल्कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल। और नंबर थ्री में एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यस, सम ऑफ एडजेसेंट, जब ऑल एंगल इक्वल हैं तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 90 और 90, 180 डिग्री होगा। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बट डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ क्या हो जाएगा? डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पर पैरेललोग्राम में हमारा डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? डायगोनल जो है इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हो गया। ये सारे प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम के हैं वो भी हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें और जुड़ जाता है। इसके सभी एंगल राइट एंगल होंगे और दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के सभी साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा रोम्बस कहलाएगा। तो ये इसका स्पेशल हो गया कि पैरेललोग्राम है बट विच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इसके सभी साइड्स जो है इक्वल होंगे। और क्या होगा स्टूडेंट्स? तो एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें होता है, डायगोनल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पैरेललोग्राम में भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसी क्या बात है? तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पर एट राइट एंगल होगा, यानी एट राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। मान लो कि ये हमारा अगर रोम्बस है, ये अगर हमारा रोम्बस है, तो इसके डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही। ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, बट स्टूडेंट इसके डायगोनल जो है यानी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके डायगोनल तो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क है? तो रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया रोम्बस का। अब चले आइए स्टूडेंट स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर इज अ रोम्बस। अगर हम कहते हैं कि स्क्वायर इज अ रोम्बस व्हिच ऑल एंगल राइट एंगल, स्क्वायर इज अ रोम्बस व्हिच ऑल एंगल राइट एंगल। तो स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है जिसके सभी एंगल राइट एंगल होंगे। तो अब अगर यहाँ पर सभी एंगल अगर राइट एंगल हो गए, और क्या स्पेशल फीचर होगा इसका? तो स्पेशल फीचर ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, बट बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल इक्वल होगा, यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे और दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट तो रोम्बस का भी करता है और इसके भी दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, बट बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल्स हमारा इक्वल होगा, यानी ए बी सी डी है तो ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, लेकिन रोम्बस में
AC not equal to BD. AC और BD equal नहीं होंगे, एक बड़ा और एक छोटा होगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, दोनों डायगनल्स उसके इक्वल होंगे और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ रोम्बस हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, दोनों डायगनल्स इक्वल होंगे। अब चले आइए स्टूडेंट ट्रेपेजियम में। तो ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, ट्रेपेजियम हुज अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर हुज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होते हैं। क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो कि ये है हमारा, तो यहाँ पर ये और साइड ये साइड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो इसके जो है वन पेयर ऑफ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ केवल एक ही जो है ना पेयर, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपेजियम ना होकर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम के क्या होते हैं, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड कौन हो गया, ये यानी ए डी और बी सी, ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। तो ट्रेपेजियम में ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसके एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको कहेंगे, अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल यानी एडी और बीसी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस तरह के ट्रेपेजियम को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इज इट क्लियर, अब चले आइए लास्ट हमारा है काइट। काइट किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो कहता है कि काइट जो है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, हुज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी क्या हो गया इसके, जैसे मान लो कि ये हमारा काइट है, तो इसके जो है क्या होंगे कि ये ए बी सी डी, इसके ए बी और ए डी ये एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड है, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इसके इक्वल होते हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल हो गया और यहाँ से ये दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा, यानी यहाँ पर ए बी जो है वो ए डी के इक्वल होगा और बी सी जो है अगर सी डी के इक्वल होगा, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज द फीचर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और स्टूडेंट अगर इसकी प्रॉपर्टी को केवल हम लोग लिखना शुरू करें तो एक से ज़्यादा हमारा वीडियो केवल उसके कुछ प्रॉपर्टी बनाने में ही लग जाएंगे। तो हमने शॉर्ट में आपको इनकी प्रॉपर्टी समझा दी है और अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ सम बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, हियर इट इज गिवन द क्वेश्चन। यहाँ पर दो हमारा पैरेललोग्राम है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई और इसमें एक्स वाई जेड है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग एक्स वाई और एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और
उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस पर जो है ना हम लोग करके इसके थ्रू बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर ये डायगनल है, कौन सा AC और BD, ये दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट bisect each other, इसके एक दूसरे के डायगनल एक दूसरे को bisect करते हैं। तो अब यहां से चले आओ, हम लोग किसको ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, दैट मीन्स AO कितना आ गया, 5 + 2x इज इक्वल टू 3x, और 2x उधर चला गया तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5, और 3x में से 2x चला गया, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू निकल गया, इट इज वेरी सिंपल। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल टू OD, और BO इज इक्वल टू OD तो x प्लस y इज इक्वल टू 13, और x का वैल्यू हम लोग का पहले निकल चुका है कितना, 5, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 13, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 13, तो ये हमारा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, जो भी यूनिट में होगा वो हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। इट इज सो सिंपल स्टूडेंट। नाउ सेकंड, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह से है तो इसमें हम लोग हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, इन ट्रायंगल BCD, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल BCE इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, CBD प्लस एंगल BDC, ये कौन सा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये BCE यानी 60 डिग्री, BCE 60 डिग्री हो गया, और CBD क्या हो गया, x हो गया, और ये क्या हो गया, BDC 20 हो गया, यानी ये एक्सटीरियर एंगल, ये और ये दोनों सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, 20 इधर चलाएगा तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, और डिग्री है तो डिग्री, और नहीं है तो ओनली 40, तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 40 हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, y और z का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, y और z का वैल्यू निकालने के लिए AB पैरेलल टू CD, क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है तो उसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, यानी AB किसके पैरेलल होगा, CD के पैरेलल होगा, और ABCD के पैरेलल होगा, तो यहाँ से ये हमारा, और यहाँ पर लिखते हैं कि AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन हो गया, BD, BD इज अ ट्रांसवर्सल,
स्टूडेंट ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? दो पैरेलल लाइन को, दो लाइन को जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइन ए बी और सी डी है और इसको जो है बी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 20। विच प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी है? टेल मी स्टूडेंट, टेल मी। नो, हियर इट इज अल्टरनेट एंगल। क्या है? अल्टरनेट एंगल से स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एक ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड अंदर के एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक हमारा अंदर, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये अंदर के एक ये एंगल और दूसरे यानी ये और ये एंगल यानी ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड दोनों अंदर के एंगल हमारा कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y हमारा कितना निकल गया? 20 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट और x और y दोनों जब निकल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी x कितना आया? 40 प्लस 20, 60 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर x और y का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, तो अब z का वैल्यू क्या हो जाएगा? इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए हमें पता चल गया कितना है, एंगल ए हमें पता चल गया कि वो है 60 है, और बी कितना है यही हमें निकालना है, और बी के जगह पर क्या दिया हुआ है? जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री या 120, अगर डिग्री नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा 120। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120, और एक्स का वैल्यू क्या आया? 40, और वाई का वैल्यू कितना आया? 620। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 40, वाई इज इक्वल टू 20 एंड जेड इज इक्वल टू 120। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट हियर इट इज वेरी सिंपल। अगर एक तरह से और चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या है? ये 60 है और BC, ये DE एक स्ट्रेट लाइन है और DE स्ट्रेट लाइन पर BC एक रे स्टैंड है, तो इससे दो एंगल बनते हैं और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, उसमें ये 60 डिग्री है, तो ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 120, 180 में से 60 जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जब एंगल सी निकल गया तो एंगल ए भी निकल जाएगा, किस प्रॉपर्टी से? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अगर हमारा 120 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो स्टूडेंट हियर इट इज वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के 8th क्लास के बुक में जो दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन, वो सब बिल्कुल आसानी से बन जाने वाले हैं। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। हियर इट इज क्वेश्चंस, देयर आर 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 280 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड्स इज लेस देन द अदर बाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग का क्या है? पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है? सेम वही होता है जो रेक्टेंगल का,
और रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ पर कह रहा है कि वन ऑफ इट्स साइड्स इज लेस देन अदर बाय 10। अगर एक का लेफ्ट वन साइड भी लेंथ मान लो, लेट द लेंथ बी एक्स, देन ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस टेन सेंटीमीटर। अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टेन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अब हमारा हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू टू, एल कितना हो गया एक्स, और बी कितना हो गया एक्स माइनस टेन सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यहाँ आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 280 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टू इंटू, ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2x माइनस 10। अब 2 को इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 280 बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x माइनस 10। यहाँ से सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, 2x माइनस 10 हो गया। अब यहाँ से ये कट गया आपका, 2 1 2 2 4 0, कितना हो गया स्टूडेंट, 140 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x माइनस 10, और 10 इधर आ जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर तो इक्वल टू 2x हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर, और 2x भी हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर यहाँ, तो ये 2x भी सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इधर आया तो कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर बाई 2, 2 से कट गया कितना, 75 सेंटीमीटर। एक एंगल हमारा कितना, सॉरी एक साइड कितना हो गया, यानी लेंथ कितना हो गया, तो 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वन ऑफ इट्स साइड इज 75 सेंटीमीटर एंड अदर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 माइनस 10 65 सेंटीमीटर। एक हमारा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 65 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट टेल मी, क्या इन चारों साइड का सम 280 होगा, चेक कर लेते हैं। 75 टू जा कितना हो गया, 150, और 65 टू जा 130, तो 150 और 130 कितना हो गया, 280। तो इसके पेरीमीटर हमारा 280 हो जाएगा, तो वो हमारा पेरीमीटर 280 आ रहा है। और दूसरा क्या है कि एक साइड दूसरे से 10 सेंटीमीटर कम है, तो एक हमारा 75 है और दूसरा 65 है, तो 65 जो है वो पहले वाले से कितना कम है, तो 10 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट अगर टू एडजेसेंट एंगल हमें पता चल जाए किसी पैरेललोग्राम के, तो हम सभी एंगल बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि लेट
सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, तो अब क्या हो जाएगा ये एडजेसेंट एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एडजेसेंट एंगल हमारा हो गया 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से अब ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाय 9 और 9 टू जाए 18 20 डिग्री, हमारा कितना हो गया 20 डिग्री, x का वैल्यू कितना निकल गया 20 डिग्री। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 20 80 डिग्री, और 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 100 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारा ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 80 100 अगेन 80 100, यानी क्यों हो जाएगा ये, क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एक अगर हमारा 80 है तो उसके अपोजिट वाला भी 80 होगा, एक अगर हमारा 100 है तो उसका अपोजिट एंगल भी 100 होगा, और ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री भी हो रहा है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री भी हो रहा है, और ये एडजेसेंट एंगल किस रेशियो में है, तो इन दोनों का रेशियो 4:5 है। तो अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन लास्ट क्या है कि ये रोम्बस है और कहता है इन द डायगनल ऑफ अ रोम्बस इफ द डायगनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस। स्टूडेंट यहाँ क्या कह रहा, ये एक रोम्बस है, मान लीजिए कि ये आपका एक रोम्बस है और इसके रोम्बस के डायगनल दिया हुआ है ईच डायगनल, तो इसके डायगनल क्या होते हैं स्टूडेंट, टेल मी, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यस डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 90 होगा, इसको ओ मान लिए, ए मान लिए, बी सी डी, तो लेट सॉल्यूशन इसका क्या होगा स्टूडेंट, लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारा रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगनल क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एसी इज इक्वल टू, लेट एसी इज इक्वल टू कितना है, बड़ा वाला डायगनल 24 सेंटीमीटर है, तो एसी का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ एसी इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 सेंटीमीटर, और एसी का आधा क्या हो जाएगा, एओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए वो निकल गया हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दूसरा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी कितना दिया हुआ है, कि बी डी इज इक्वल टू हमारा बी डी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हाफ बी डी, हाफ बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर, और बी डी का आधा कितना होगा स्टूडेंट, तो ओ बी हो जाएगा, OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा OB निकल गया 5 सेंटीमीटर और AO निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो अब चले आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB, AOB कौन सा ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है,
हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। रिकॉल स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? पाइथागोरस ने कहा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए बी हमारा राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड ए बी है, तो ए बी हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, सॉरी राइट एंगल एट ओ, राइट एंगल एट ओ, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। वे स्टूडेंट यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर, ए ओ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ओ बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर चले आते हैं, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टूडेंट 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, 169 का स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारा ए बी निकल गया, ए बी निकल गया तो रोम्बस का एक साइड निकल गया, तो रोम्बस के हर एक साइड इक्वल होते हैं, तो ईस्ट साइड ऑफ अ रोम्बस यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ईस्ट साइड ऑफ अ रोम्बस, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और स्टूडेंट आज हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सारा चीज, यानी कि इसके डिफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी, यानी क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन और क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ सम बनाएं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी पॉलीगन के बारे में पढ़ा था कि विच टाइप ऑफ पॉलीगन एंड उसके डायगनल कैसे निकालते हैं और उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो स्टूडेंट अगर आपको पिछला वीडियो मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। ओके थैंक यू। ओके स्टूडेंट, दिस वाज एनफ फॉर टुडे, आई विल बी बैक विथ समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू इन अनदर वीडियो। इफ यू हैव enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel, follow us on our Instagram account @OxwellTutorial, push that
bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye-bye. Take care.